Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from Testbook.com. Hello everyone, how are you all? कैसे हो आप सब? Good evening everyone. Hello everyone. Hello. Hello कैसे हो आप सब? Good evening everyone. कैसे हैं आप सब? Good evening everyone. कैसे, आप evening everyone. कैसे हो आप सब? Hello everyone. Hello hello. कैसे हो आप सब? Okay so dear students, आज हम लोग क्या बात करने वाले? आज हम लोग बात करने वाले हैं basically. रिजिड पेमेंट की डिजाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन रिजिड पेमेंट की डिजाइन के बारे में बात करने से पहले रिजिड पेमेंट की डिजाइन के बारे में बात करने से पहले अपने को जो है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में वो टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ इट इज स्टिल इनकम्प्लीट टॉपिक राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दैट टॉपिक एंड देन वी विल मूविंग टू द रिजिड पेमेंट पोर्शन दट हाउ रिजिड डिज़ाइन एक बार आपको हल्का सा ब्रीफ देता हूं। time, so हमने, हमने, हमने कहा जो अपना टॉपिक है, है लेवल जो अभी हमारा चल रहा है एस एस सी जेई का लेवल चल रहा है उससे ज्यादा हमारा अभी हम लेवल नहीं इंक्रीज कर रहे राइट

रिजिड so पेमेंट को अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो रिजिड पेमेंट में आपको वेरियस स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे कि कौन से ज्वाइंट पे मेरा स्ट्रेस क्या है उसकी वैल्यू क्या है क्या वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जा रहा है या वो नॉर्मल लिमिट में है ये मेरे को निकालना पड़ेगा किसमें डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में आपको सेटलमेंट की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर स्लैब पूरी की पूरी एक साथ नीचे जाएगी तो एक जगह ज्यादा सेटलमेंट होगी एक जगह कम सेटलमेंट होगी तो आपस में सब कॉम्पेंसेट हो जाता है तो सेटलमेंट आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होती आपकी एक साथ जो है आपकी सेटलमेंट होती है रिजिड पेमेंट के अंदर लेकिन अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूं तो वहां पर ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है लोड का अगर ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होगा लोड का तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इलाके में आपको ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगी एंड दैट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग थिकनेस, निकालते हैं कि मेरी थिकनेस कितनी जितनी अच्छी थिकनेस हो मेरी की, उतना ही अच्छे से होगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रिजिड पेमेंट में रिजिड पेमेंट में बस स्ट्रेस निकालो काम चल जाएगा और में जो है आ, सिर्फ स्ट्रेस निकालो तो काम चल जाएगा और आपका जो है अ बेटा सेकेंड वेट बेटा सेकेंड यस करेक्ट ओके सो रिजिड पेमेंट में जो है अपने को स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल पेमेंट में अपने को पेमेंट की थिकनेस निकालने पड़ेगी सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दोस्त टू ओके एंड इन द द प्रीवियस क्लासेस वी अबाउट डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स अभी वो पूरा नहीं हुआ है कुछ टॉपिक उसमें बचे हुए तो उसके बारे में अभी जरा डिस्कस करते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट अस प्रोसीड टू द टॉपिक इट्स डायरेक्टली राइट सो नाउ हियर इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या बात कर रही थी पिछले लेक्चर में हमने सीबीआर मेथड के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था तो सीबीआर मेथड क्या है सीबीआर कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका था पिछले लेक्चर्स में कि सीबीआर क्या है कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं तो सीबीआर के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है कि कैसे करते हैं हम लोग सीबीआर को परफॉर्म लैब में ठीक है और क्या क्या मेरे को वहां से वैल्यूज निकलती हैं और स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कौन से होते हैं मेरे पे 1370 किलोग्राम फॉर 2.5 पॉइंट एंड 2055 किलोग्राम फॉर 2055 किलोग्राम फॉर 5 एम एम राइट यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स अभी कल पर से यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है सीबीआर को लेके क्वेश्चन आया हुआ था जिसका आंसर 5.8 समथिंग आ रहा था ठीक है चलिए ना सीबीआर डिजाइन चार्ट्स अब ये जो सीबीआर के जो डिजाइन चार्ट्स हैं ये आईआरसी ने दिए हुए हैं एक्चुअल में जब आपको सीबीआर वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको सीधा इस डिजाइन चार्ट पे आ जाना फॉर एग्जांपल आपको जो है सीबीआर वैल्यू मिल गई 10% अब आप सीधा डिजाइन चार्ट पे आ जाओ ठीक है डिजाइन चार्ट पे क्या होगा आपका आपको ये देखो कुछ दिया हुआ है यहां पे डेप्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन की कितना आपको कंस्ट्रक्शन डेप्थ करना पड़ेगा ये आपको दिया हुआ है किसमें mm में दिया हुआ है ये ग्राफ्स क्या है ये ग्राफ्स आपका बेसिकली है लेड एन वेट वट इज दिस दैट इज कॉल्ड एज अ लेड एन वेट ये लेडन वेट क्या है कि गाड़ी का मेरा कितना वेट है गाड़ी कितना वेट जो है कैरी कर रही है पेमेंट के ऊपर ज कॉल्ड एज ए लेडन वेट ओके इसके अलावा बहुत सारे वेट्स होते हैं हमारे पास एक सिंगल एक्सएल लोड होता है एक मल्टी एक्से टेंडम एक्सएल लोड होता है, है। बहुत सारे टाइप की लोड होता है लेकिन जो काम की चीज तो अच्छा है तो मान लीजिए आ गया ठीक है ना लेडन वेट हम लोग कितना लेके चलते हैं हम लोग नियरली थ्री टन के आसपास हम लोग लेके चलते हैं ठीक है, थ्री जो होता है तो इसमें आपने जो है ग्राफ चूज कर लेकिन चलो मान लो कि आप डी वाला ग्राफ आ रहा है डी का मतलब क्या है कि जो आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स है पर डे एक्सीडिंग थ्री टर्स वो कितने आ रहे हैं लेकर के टू फोर के बीच में आ रहे हैं आपनेडी आप निकाल चुके लैब में और आप क्या करोगे डायरेक्टली यहां से आपको थिकनेस मिल जाएगा ये मेथड है किसका आईआरसी ने जो रिकमेंड किया सीबीआर मेथड इस मेथड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ टाइम में आपको पता चलेगा कि क्या ड्रॉबैक है इस मेथड का अभी मैं आपको बताऊंगा लेकिन बिफोर दैट बिफोर दैट लेट लेटस मूव टू द ईआरसी रिकमेंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार यहां से एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर्टिकुलर जो मैंने पांच पॉइंट लिखे हैं यहां पर कई बार एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं पहला क्वेश्चन क्या है ये क्या है जो डिस्टर्ब सॉइल होती है उसी को हम रिमोल्डेड सॉइल बोलते हैं पहला रिकमेंडेशन तो ये है आई आर सी आ, IRC का और आई आर सी कौन सा है यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आया हुआ है कि आईआरसी हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो सीबीआर मेथड होता है तो कौन सा यूज कर 37, 1970 the, और अभी तो हो चुका है लेकिन थर्टी सेवन अब याद रखना राइट आई आर सी थर्टी सेवन याद रखना चलिए द सीबीआर शुड बी परफॉर्म ऑन रिमोल्डेड सॉइल्स इन द रिमोल्डेड सॉइल सेकेंड वन फॉर डिजाइन ऑफ न्यू रोड्स फॉर डिजाइन ऑफ न्यू रोड्स द सबग्रेड सॉइल

सीबीआर का टेस्ट करना पड़ेगा और जब आप सीबीआर करते हो तो मैंने आपको बताया था हाईवे मटेरियल में हम लोग जो है सॉइल को सोक करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए और वो कितने दिन के लिए सोक करते हैं हम लोग सॉइल को फोर डेज ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि चार दिन के लिए आपको सॉइल को सोक करके रखना पड़ेगा पानी में उसके बाद ही आप उसके ऊपर सीबीआर या कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट जो होता है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट द टॉप फिफ्टी सेंटीमीटर ऑफ सब ग्रेड सब ग्रेड कौन सा नीचे वाली लेयर वाले आपको बता चुका हूं ठीक है शुड बी कॉम्पैक्टेड टू टू 95 to 100 ऑफ प्रॉक्टर डेंसिटी ये proctor density क्या है कर्व जो आपने पढ़ा होगा वहां पर क्या बोलते हैं उसको सॉइल मैकेनिक्स में दो तरह के टेस्ट होते हैं प्रॉक्टर टेस्ट, है, टेस्ट, है, टेस्ट, है, टेस्ट, है, टेस्ट है, होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है जिसमें कंपेक्टिव एफर्ट ज्यादा होता है क्लियर मॉडिफाइड में जो ग्राफ बनता है मेरा अगर आपको याद हो तो यहां पे वाटर कंटेंट होता है ठीक है ना यहाँ पे आपका गामा होता है आपका ठीक है ऐसे आपका कुछ ग्राफ बनता है यहां ये पे। आपका ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट यहां से निकलता है और यहां पे आपको, आपको। यहां आप कर देते तो क्या होता है, आपका? ऐसे जाता है। और ज्यादा कॉम्पैक्टिव और ऊपर चला गया सो so, कॉम्पैक्टिव एफर्ट का मतलब है कितनी आप एनर्जी लगा रहे हो या आप उस रैमर को या हैमर को कितनी हाइट से फेंक रहे हो ये डिपेंड करता है कॉम्पैक्टिव एफर्ट आपका क्या है राइट ओके ना टॉप फिफ्टी सेंटीमीटर ऑफ सब ग्रेड शुड बी कॉम्पैक्टेड टू नाइनटी फाइव टू हंड्रेड परसेंट ऑफ द प्रोक्टर डेंसिटी नाइनटी फाइव टू हंड्रेड परसेंट ऑफ द प्रोक्टर डेंसिटी यह आपने जो है सॉइल में भी पढ़ा होगा कि हम लोग जो फील्ड डेंसिटी होती है वो क्या होती है नाइनटी फाइव टू नाइनटी सिक्स परसेंट आपने उस टाइम पढ़ा होगा सिविल में राइट right, ओके okay? अगर आपने कभी के आर अरो बुक पढ़ी हो के आर अरोरा, क्यार अरोरा तो उसमें दिया हुआ है कॉम्पैक्शन टेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि जो फील्ड में हमारा जो कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है वो कितना होता है हम लोग नियरली हम लोग नाइन जो है उसमें जो है अचीव करने का ट्राई करते हैं किसको फील्ड डेंसिटी को ठीक है नंबर पेमेंट ऑफ मेजर मेजर मतलब जो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे हो गया शुड बी डिजाइन फॉर एटलीस्ट टेन ईयरस लाइफ पीरियड ये भी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवे हो गया स्टेट हाईवे हो गया इनको कम से कम दस साल के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा फॉर व्हीकल्स विद व्हीकल वेट लेडन वेट में आपको बता चुका हूं तीन टन के आसपास हम लेके चलते हैं राइट द वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक में में भी टू ट्राफिक मेंसेंट सर यह क्या है ये मेरे को समझ नहीं आया वैल्यू ऑफ ग्रोथ क्या देखो सुनो अब मान लो कि आप जो है दस साल के लिए किसी मेजर रोड को डिजाइन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अब दस साल में ऐसा तो नहीं है कि जो आपने टू थाउजेंड मान लो कि आपने ट्वेंटी में कोई सड़क बनानी स्टार्ट करी और आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो में सड़क और 2030 तक वो सड़क आपको पता है कि चलने वाली है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 2020 में जो ट्रैफिक ट्रैफिक सड़क डिजाइन करी है वो सेम जो है थर्टी तक भी रहेगा ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली ट्रैफिक तो जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है लोगों की जो है परचेसिंग वैल्यू बहुत इंक्रीज हो रही है एक घर में पांच पांच गाड़ियां भी हैं आपको पता होगा तो आने वाले टाइम में तो और ज्यादा इकोनमी अच्छी हो जाएगी तो और ज्यादा गाड़ी आ जाएंगी ठीक है तो बात है कि ट्रैफिक जो है इंक्रीज होने वाला है ठीक है अब ये बताओ कि अगले दस साल का ट्रैफिक हम लोग कैसे निकालते हैं फॉर एक्साम्पल ए जो है अगले दस साल का ट्रैफिक है राइट और ये हम लोग मान के चलते कि कंपाउंडली ग्रो करेगा कंपाउंडली मतलब एक होता है सिंपल इंटरेस्ट एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो वैल्यू बचा उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं मान लो कि 2020 में जो ट्रैफिक है वो है पी क्लियर और कितने साल का आपको निकालना दस साल का आपको निकालना तो कितना हो जाएगा आपका वन प्लस r upon 100 raise to the power n n क्या हो गया आपका नंबर ऑफ इयर्स अगर 10 साल का निकाल लो 10 हो गया 5 साल का निकाल लो 5 हो गया और r क्या हो गया आपका r आपका कितनी रेट से आपका ट्रैफिक ग्रो करता है ये आपका r हो गया अब irc ने जो वैल्यू रेकमेंड की है r r की अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत बढ़िया बात है क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या लेके चलोगे आप इसको 7.5 परसेंट और ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है द वैल्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक रिकमेंडेड बाई आई आर सी थर्टी सेवन इज नंबर टू नंबर वॉज सेवन पॉइंट फाइव परसेंट यह आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया भी हुआ है यहां से राइट ओके आई होप ये आपको समझ में आ रहा है यू आर गेटिंग दिस थिंग इज इट फाइन विद यू डियर स्टूडेंट्स इज इट फाइन विद यू आपको समझ में आ रहा है ना ये इज इट फाइन विद यू आर यू गेटिंग इट इज इट फाइन लेटमी सी समे आर समी सी ओके बट स्टिल सो आर यू गेटिंग इट डियर स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट आर यू गेटिंग इट डियर स्टूडेंट्स ओकेटिंग ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ओके राहुल गेटिंग इट ओके वेरी गुड राहुल वेरी गुड लेख का ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेके आया आयो डियर स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया न्यूज है आपको पता ही है जैसे कि मैं तो ऑलरेडी जो है टेस्ट बुक चैनल पे uh, मॉर्निंग में क्लासेस लेता हूँ लाइव क्लासेस लेता हूँ वहां पे अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में अगर आपको स्टडी करना है देखो ये तो ऊपर ऊपर से है चलो ठीक है ये आ सकता है ये आ सकता है ले हम बहुत ज्यादा डीप में हम बात नहीं कर रहे अगर आपको एकदम डीप में जाना है कि अच्छा ये बताइए सर ये लेडन वेट आया कहां से ये आईआरसी ने कैसे दिया है लेडन वेट राइट अगर एकदम डीप में जाके अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है You can obviously join me in the on the test book platform, right? Both nominal charges You can join me uh, in the morning. I am taking classes there. So, for that, I have a good news also. The good news is that this one, right? So, you can go with the uh, test book pass. Test book pass, ka, abhi price to bahut test book pass ka, right? Okay. You can go for the test book pass. So, one pass will be giving you access to 100% courses. 6,500 plus mock tests will be there. 38,000 plus selections we have made. A good exam strategy will be there as well as you will be getting some. Expert guidance and a very good news is this that test book pass is just for rupees this much.

वरुण के इज द कोड यू कैन एंटर द कोड एंड टॉपिक तो क्लास कितने बजे होगा स्टार्ट टेस्ट बुक पे राहुल uh, मैं ऑलरेडी जो है क्लासेस लेता हूँ मैं सुबह जो है क्लास uh, नौ बजे से स्टार्ट होती है मेरी वहां पे और मेरी जो क्लास चलती है नौ से लेकर के ग्यारह उसके बाद और, और भी बहुत सारी क्लासे दीपक सर पढ़ाते हैं वहां पे दीपक सर इज टीचिंग जियो टेक्निकल इंजीनियर अ वेरी गुड रेस्पॉन्स राइट अमेजिंग

समझ में नहीं आया मेरे को अब देखो बड़े ध्यान से समझना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो बड़े समझ में आता नहीं बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी हुई है ठीक है देखो बड़े ध्यान सुनना ये मान लो फ्लेक्सिबल पेमेंट है आपका और ये आपका पहले तो मान लो सबग्रेड हो गया सबग्रेड मतलब जो नीचे जो मिट्टी होती है जिसको आपने कॉम्पैक्ट किया हुआ वो गया ओ एमसी पर आपने कॉम्पैक्ट किया हुआ सबग्रेड हो गया सबग्रेड के ऊपर आपका जो है बेस कोर्स हो गया यहाँ पे ये आपका बेस कोर्स हो गया बेस कोर्स में आप क्या करोगे एग्रीगेट्स वगैरह आपने जो है वगैरह वगैरह आपने एग्रीगेट्स यूज किए हुए हैं थोड़ा कम क्वालिटी के सब बेस में आपने थोड़ा हाई क्वालिटी के एग्रीगेट्स यूज किए क्योंकि आपको पता है जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रंकेटेड कौन की शेप में होगा तो ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होंगे नीचे कम होंगे तो अच्छे सिंपल सी बात है कि भैया ऊपर मेरे को स्ट्रॉग एग्रीगेट यूज करने पड़ेंगे और नीचे मेरे को लूज एग्रीगेट या नॉर्मल भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है हल्के वाले भी चलेंगे बिकॉज स्ट्रॉ तो महंगे आते हैं तो हर जगह तो यूज नहीं कर सकते उसको तो उसको जो है ऊपर यूज करेंगे बाकी को नीचे यूज करेंगे ऊपर आपका जो है सरफेस कोर्स हो गया सरफेस कोर्स में आजकल हम लोग टैग कोट टैग कोट वगैरह भी यूज करते ताकि एकदम जो गड्ढे होते हैं एकदम से फिल हो जाए वो अलग बात है सरफेस ड्रेसिंग हम उसको नाम देते हैं ठीक है सो आपने सरफेस को यूज कर दिया अब हुआ क्या सुनिए बड़ा ध्यान से अब आपको मान लो कि सब ग्रेड की आपको सीबीआर वैल्यू पता थी चलिए जी आपको सब ग्रेड की सीबीआर वैल्यू पता है आपको लेडन वेट भी पता है कि तीन लड़, तीन जो टन है मेरा वो लेडन वेट हो गया मेरा थ्री टन के आसपास ठीक है तीन टन जो है मेरा लेडन वेट हो गया अब आपने क्या किया कि ये जो ग्राफ्स पीछे बने हुए थे यहां पर ये वाले ये जो ग्राफ्स यहां पे पीछे बने हुए थे आपने इस ग्राफ्स की मदद से वाई टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ्स यू हैव डिटरमाइंड द थिकनेस ऑफ द थे मान लो कि आपकी थिकनेस पेमेंट की कितनी आ गई दो सौ एम एम आई या तीन सौ एम आ गई तीस सेंटीमीटर के आसपास इतनी आती है ज्यादातर पेमेंट ठीक है ना थिकनेस जो होती है पेमेंट की आपकी थ्री हंड्रेडम जो है थिकनेस आ चुकी है मतलब तीस सेंटीमीटर के आसपास ये कि किसकी पेमेंट की थिकनेस आई आपकी ये आपकी आई है जी सबग्रेड के ऊपर की थिकनेस आपको मिल गई ये वाली तो कितनी मिल गई आपको आपको मिल गई थर्टी सेंटीमीटर चलिए ठीक है बहुत बढ़िया आपको मतलब सबग्रेड की आपको जो थिकनेस प्रोवाइड करनी है वो इतनी आपको प्रोवाइड करनी है चलिए ठीक है समझ में आ रहा आपको अब क्या हुआ अब आपने बेस कोर्स का सीबीआर चेक किया आपने आपने अब जब आपने बेस कोर्स का सीबीआर चेक किया तो आपको पता चला बेस कोर्स की थिकनेस इतनी आनी चाहिए मतलब बेस कोर्स ऊपर वाली जो लेयर है है ठीक अब मैं आपको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं था था तो आपके और अच्छे समझ में देखो तो बड़े ध्यान से मैं थोड़ा फिगर थोड़ा मैंने गलत बना दी थी सुनिए जरा ये आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट है आपका ये आपका सब ग्रेड है आपका दिस इज योर सब ग्रेड अगर सब ग्रेड का आपको सीबीआर मालूम है तो सब ग्रेड से ऊपर की जो लेयर होगी उसकी आपको थिकनेस पता चल जाएगी मान लो कि आपको बेस कोर्स की आपको जो है थिकनेस पता चल चुकी है चलिए मान ली हेल्प ऑफ ग्राफ्स अब आपने इस बेस कोर्स का आपने सीबीआर निकाला तो आपको जो है सब बेस की थिकनेस पता चल गई मान लो कि पहले आपको पता चल गई टी वन फिर आपको पता चल गई टी टू और ऐसे फिर आपने सरफेस कोर्स का निकाला तो आपको जो है टी थ्री आपको पता चल गया ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ आपको टी थ्री आपको पता चल गया चलिए बढ़िया आप नीचे वाले में खराब भी लगाओगे तो आपको, आपको ले गए बेस कोर्स ऊपर ले गए कोर्स नीचे ले गए तो यहां पे टोटल थिकनेस कितनी आ रही थी आपकी यहां पे आपकी टोटल थिकनेस आ रही थी T1 वन प्लस टी एंड प्लस T3 ये आपकी टोटल थिकनेस आ रही थी अगर आप सब बेस को नीचे ले जाओगे मतलब अच्छा मेटेरियल नीचे ले गए और खराब मेटेरियल ऊपर ले गए तब भी तो आपकी उतनी थिकनेस बनेगी क्योंकि अगर आप सीबीआर मेथड लगाओगे सीबीआर तो चेंज नहीं करेगा सॉइल का चाहे आप उसको ऊपर रखो या नीचे रखो सीबीआर तो सेम रहने वाला है तो अगर सीबीआर सेम रहेगा तो थिकनेस कैसे चेंज हो सकती है थिकनेस भी सेम रहेगी और थिकनेस सेम रहेगी तो आप कुछ भी कर लो आप सब बेस को नीचे ले जाओ सब ग्रेड को कुछ भी कर लो आप आपकी जो टोटल थिकनेस है ना वो हमेशा सेम ही रहती है ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है थिकनेस ऑफ द पेमेंट रिमेन सेम आप कुछ भी कर लो थिकनेस ऑफ द पेमेंट विल रिमेन सेम दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से डेंजरस द सीबी सीबीआर मेथड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है सीबीआर मेथड का क्लियर ओके okay? तो इसी को रिकवर करने के लिए या इसको जो है ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है उसका नाम है आपका ये आगे लिखा हो या सीबीआर मेथड बाय कॉम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड एक दूसरा मेथड है इसमें भी हम लोग जो है ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं किसके बीच में ग्राफ्स बनाते हैं इसमें हम लोग इसमें हम लोग जो ग्राफ्स बनाते हैं एक तो सीबीआर की वैल्यू आपको जो पता होगी और एक एमएसए के बीच में जो है यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं ये एमएसए क्या है ये है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल लोड मतलब एक जो स्टैंडर्ड लोड है एक एक्सेल का वो कितनी बार जो है रिपीटेशन कर रहा है मैंने आपको मैक्लिओड का जो मेथड बताया था लास्ट क्लास में कि जो p1 n1 है इज इक्वल टू p2 n2 होना चाहिए तो रिपीटेशन ऑफ लोड के बारे में हमने डिस्कस किया था राइट तो वही ये मेथड है ये भी मेथड आईआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है दिस मेथड इज आल्सो रिकमेंडेड बाय आईआरसी इसमें क्या है जो ग्राफ्स बनेंगे एमएसए और किसके बीच में बनेंगे सीबीआर के बीच में इसमें ग्राफ बनेगा इसमें भी आपको जो है कुछ ऐसे ग्राफ्स दिए होंगे उस ग्राफ्स की मदद से जो ट्रैफिक का ग्राफ होगा एक आपका लाइट ट्रैफिक होगा एक मीडियम ट्रैफिक होगा एक हैवी ट्रैफिक होगा तो हम लोग ज्यादातर मीडियम लेके चलते हैं मीडियम के लिए हम लोग उसको डिजाइन करते हैं ठीक है इन ट्राफिक्स के लिए आप जो है पेमेंट की थिकनेस निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा तो ये हम लोग इसमें करते हैं ठीक है यहां पे भी आपको पे थिकनेस आपने दिया हुआ सो so ऐसे आपका यहाँ आ जाएगा ये वाला। अब कैसे होगा इसका एक फार्मूला है जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल होते हैं ns इट इज गिवन बाय 365 सिक्सटी फाइव इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस आर और अपॉन हंड्रेड आर आर आप समझ जाना आर जो है वो परसेंटेज में नहीं है वो फ्रैक्शन में है ठीक है ना डी टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर दट इज अगेन सेम इन टू द व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू द लेन डैमेजिंग फैक्टर व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड द लेन डैमेजिंग फैक्टर

लेन डैमेजिंग फैक्टर लेन डैमेजिंग नॉट डिस्ट्रीब्यूशन लेन डैमेजिंग फैक्टर फैक्टर लेन डैमेजिंग क्या होता है आपका लेन डैमेजिंग आपका सॉरी व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर एंड लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर क्या होता है कि आपका जो व्हीकल है वो पेमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर एंड लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आपका ट्रैफिक ये आपका व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन लेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका होता है ठीक है ना ओके आपको ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन वैल्यूज दी होंगी इस फैक्टर एफ की अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दी हुई है इसके फॉर्मुले भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही लेंदी हो जाते हैं वो एस पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो गेट के लिए इंपॉर्टेंट गेट में आपको निकालना पड़ता है गेट में आपको जो है व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर uh, भी निकालना पड़ता है और आपको लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आपको दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं गेट एग्जाम में ठीक है तो अब आपने क्या किया यूनिट एन, एक एक हो होती, होती है सर यह स्टैंडर्ड एक्सेल क्या है देखो स्टैंडर्ड एक्सेल जो हम लोग लेके चलते हैं ये भी एग्जाम में आया हुआ है ये हम लोग लेके चलते हैं एट वन सिक्स जीरो किलोग्राम एट वन सिक्स जीरो किलोग्राम्स इफ अगर आपका जो ट्रैफिक है इट इज मोर देन 1500 1500 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे सीवीपीडी सीवीपीडी मींस कमर्शियल व्हीकल्स पर डे कमर्शियल व्हीकल्स क्या होते हैं जो आपके जिनके पीछे दो दो टायर्स लगे होते हैं कॉल्ड कमर्शियल व्हीकल्स जिनका डैमेजिंग ज्यादा होता है किसी पेमेंट पे दो आर कॉल्ड एज द कमर्शियल व्हीकल्स ठीक है सो अगर आपका ये जो नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे है अगर पंद्रह सौ से ज्यादा है तो हम इसको एट वन सिक्स जीरो चलते हैं ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ध्यान रखना इस चीज का ठीक है ना तो दैट इजन एट वन सिक्स जीरो तो यहां से आपको स्टैंडर्ड एक्सेल मिल जाएगा अब यहां पर आई ने ग्राफ दिए हुए हैं तो यहां पर ग्राफ से आप जो है पेमेंट की डायरेक्टली जो है थिकनेस निकाल लोगे तो ये है आपका सॉरी <coughs> तो ये है आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मैथड इज कॉल्ड एज द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मैथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यह स्टूडेंट्स अब ये बात करते हैं एन की एन कितना लेना चाहिए ये ज्यादातर हम लोग दस से पंद्रह साल के बीच में लेते हैं जो एन की जो वैल्यू है ज्यादातर जो है दस से पंद्रह साल के बीच में ली जाती है ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है मे भी शायद एग्जाम में आ जाए तो आप ध्यान रखना आप ठीक है ना इसका चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई होप यू आर गेटिंग इट आपको समझ में आया ये वाला आया समझ में अभी तक ओके है ना सब कुछ ओके रिपोर्ट है अभी तक अभी तक आया समझ में आपको आर यू गेटिंग इट और नॉट अभी तक समझ में आया आपको <coughs> राहुल समझ में आया आपको राहुल आर यू गेटिंग इट राहुल समझ में आया आपको ओके कविता सुरेशी सिंह ओके सर राहुल ओके सर ओके नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट अस कम टू द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स फ्लेक्सिबल पेमेंट में इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास सी इसके अलावा हमारे पास एक ट्राइगजियल मैथ है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए वो गेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है एस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ट्राइगजियल मैथड uh, के अलावा हमारे पास बर्मिस्टर्स अप्रोच है अप्रोच में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं इफ एनी बडी ऑफ यू हैज नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर्स आई वुड रिकमेंड दैट यू गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स टिल नाउ वी हैव डन वेरी लेस न्यूमेरिकल सो वट आई हैव डिसाइडेड इज दैट आफ्टर दिस ट्रांसपोर्टेशन गेट्स फिनिश्ड इट विल हार्डली टेक हार्डली

फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करने के लिए बिकॉज उससे डिजाइन लाइफ इंक्रीज हो जाती है और ये आपका जो है हो गया। के अगर आपका गाड़ी का टायर आएगा इफ अ व्हीकल इज कमिंग इन ऑन टॉप ऑफ अ रिजिट पेमेंट द डिफ्लेक्शन ऑन ऑन द लोअर लेयर्स और यू कैन सी द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लेयर्स विल बी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लेयर्स

दैट इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन द रिजिड एंड द फ्लेक्ल पेमेंट इज ऑल अब सो दट इज वॉट द स्लैब एक्शन इज इसी को हम लोग स्लब एक्शन बोलते हैं डीयर स्टूडेंट्स अब एक बार जरा रिजिड और फ्लेक्सिब के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है यह डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से क्या पता है एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन आ जाए आपका जरा मैं एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस पॉइंट फ्लेक्सिबल पेमेंट दे हैव लो फ्लेक्शरल स्ट्रेंथ दे हैव लो एक बीम की तो बहुत अच्छी बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है ना उसमें बेंडिंग स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं आपको याद होगा तो राइट यहां पर टेंशन होगा यहां पर कंप्रेशन होगा ऑल दीज थिंग ओके सेकेंड लोड इज ट्रांसफर्ड बाई ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट क्या है मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत ही डिटेल में इसको समझा चुका हूं कि ग्रेन टू ग्रेन जो कॉन्टेक्ट है उसको हम किसको कॉन्टेक्ट को बोलते हैं हैंक्स्ट सरफेसिंग कैन नॉट बी लेड डायरेक्टली ऑन द सब ग्रेड बट अ सब बेस इज नीडेड आई हैव टोल्ड यू व्हाई बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर सब ग्रेड अगर आप डायरेक्टली ले कर दोगे सब ग्रेड के ऊपर तो वो सेटलमेंट हो जाएगी सीधा मिट्टी में धस जाएंगी आपकी गाड़ियां कुछ बचेगा ही नहीं उसमें नंबर फोर नो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन केस ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट नंबर फाइव एक्सपेंशन ज्वाइंट आर नॉट नीडेड नंबर सिक्स डिजाइन इन डिजाइन लाइफ इज टेन टू फिफ्टीन ईयर दैट इज द नंबर सिक्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट नंबर सेवन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो इसलिए हम लोग ज्यादातर इसको गांव वगैरह में प्रेफर करते हैं कि चलो गांव में लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि खर्चा कम आएगा ठीक है ना इसलिए एट मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई दैट इज ऑल वन ऑफ द ऑफ यूजिंग द फ्लेक्सिबल पेमेंट एक तो आपको उसको डायरेक्टली सबग्रेड के ऊपर ले नहीं कर सकते हो ऊपर से अगर आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपने देखा होगा सड़कें टूटती रहती है पॉटहल्स बन जाते हैं उसमें उसको फिर बाद में पीडब्ल्यू डी वाले जो उसको रिपेयर करते रहते हैं दैट इज हाउ इट वर्क्स नंबर रोड कैन बी यूज फॉर ट्रैफिक विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस रोड को जो है बहुत जल्दी आप यूज कर सकते हो रिजिड पेमेंट में जब तक नहीं आप उसको यूज नहीं कर पाओगे ना नंबर टेन डैमेज बाई ऑयल्स एंड सर्ट इन केमिकल्स बिकॉज आपको पता है जो बिटोमिन होता है इट इज वेरी रिएक्टिव यू कैन से टू वेरियस केमिकल्स सो अगर आप कोई केमिकल वगैरह मान लो कि कोई ट्रक जा रहा है केमिकल लेके उसमें से अगर केमिकल लीक हो गया तो वो जो केमिकल है बिटोमिन के साथ रिएक्ट करके बिटोमिन को खराब कर सकता है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज इट फाइन डियर स्टूडेंट्स? इज इट फाइन अभी तक समझ में आया आपको समझ में आपको Sir, I have paid for the test book classes for one fifty. Can I also access the gate coaching classes? Uh, see, uh, uh, Kavita, regarding this, you have to contact the uh, test book uh, site. Okay, so I I'm just giving you the contact of contact mail of test book. <coughs> Just wait a second. Let me check the just wait a second, just wait a second. Yeah, so, uh So that is uh, support at the rate of testbook.com. Support at the rate of testbook.com. Uh, so, uh, Kavita, you do one thing you mail your, all your doubts to support at the rate of testbook.com. Whatever the doubts you have that you have bought the testbook pass and whether you will be eligible for the gate coaching classes or not, you just uh, mail them and they will uh, positively give you a reply very soon. So, that would be my suggestion that you just mail them because I am not the concerned person regarding it. So, just give them, then they will give you the suggestion. Okay. So, now let us come to the rigid payment. Before coming to the rigid payment, let me tell you a very important thing once again, dear students. Very important thing. The important thing is that this. Okay so this was the thing so uh, I am already teaching live at the textbook platform so if anybody of you wants to join me live uh, in the morning I am teaching bilingual I am also teaching in English also as well as in Hindi also so if anybody of you is interested so he or she can go to the textbook platform and we will meet soon there so so let us come to the rigid payment class right so rigid payment now rigid payment they have more flexural strength that is the number one point, which is very important, right? Now, what is this flexural strength? Flexural strength basically means the bending strength. That if you apply some transverse load, it will be bending but it will not break, right? That is the meaning of flexural strength. Number two, no such phenomenon of grain to grain load transfer exists, but on the contrary side, we have the slab action here. The load is transferred by the slab action. Number three, Surfacing can be directly laid on the subgrade. I told you that in case of rigid payment, you can directly lay on subgrade itself, so you will not face any issue. But just because, but just because, uh, but we need to increase the durability of the payment, we need to increase the durability of the payment. What do we do is that we also provide the sub base course and the base course and so on, right? Okay, that is why we provide it. Otherwise, you can directly lay the ऑन ऑन टॉप ऑफ सब ग्रेड ऑल्सो डायरेक्टली सो दे विल नॉट बी एन इशू लेकिन फिर भी जो है हम लोग ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करने के लिए हम लोग जो है प्रोवाइड कर देते हैं क्या सब ग्रेड राइट भी हम लोग सब ग्रेड प्रोवाइड कर देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेस आर इंड्यूज ये तो बहुत ही बड़ा जो है ड्रॉबैक है तर, uh, इसका रिचर्ड पेमेंट का आपको पता है जो कंक्रीट है अगर आप उसको गर्म करोगे इफ द कंक्रीट आरसीसी और वेदर इट इज पीसीसी इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देर विल बी समीनियर एक्सपेंशन and the coefficient of linear expansion of concrete is almost almost equal to that of steel that is the reason in case of rcc structures we are using steel with concrete and we are not using some plastic or some because we have infinite number of materials which are much cheaper than steel and which are much stronger than steel now in nowadays but still we are not using those materials with concrete the reason being द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ स्टील सो वट इज है मोर अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट इज एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रेक्टिंग एंड वाइस वर्सा रेस्पेक्टिवली सो जो दोनों में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन दोनों में सेम होती है और आपका जो स्टील होता है वो स्लिप नहीं करता सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्टील को ही कॉन्क्रीट के साथ हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे मेटीरियल हैं जिसमें कोरिजन नहीं होता है जो कि स्टील से भी सस्ते हैं और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है बट स्टिल वी डू नॉट यूज मटेरियल बिकॉज द द मेन रीजन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज द ओनली रीजन दैट वी आर यूजिंग स्टील विद कॉन्क्रीट सो दैट इज वाई बट हेयर बट हे इन केस ऑफ इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट थर्मल स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड

Uh, बिल्कुल नहीं होगा तो ऐसे ऊपर उड़ जाएंगे वो बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट एक्सपेंड लाइफ इज वेरी गुड द डिजाइन लाइफ फॉर रिजिट पेमेंट इज नियरली ट्वेंटी डबल ऑफ द पेमेंट ऑलमोस्ट डबल राइट इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई बट द मेंटेनेंस कॉस्ट विल वेरी लो दैट इज फॉर श्योर इन केस ऑफ रिजिट पेमेंट बिकॉज एक बार आप उसको बना दो उसके बाद कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है राइट right? तो रिपेयर वगैरह होगा थोड़ा बहुत देख लेंगे ज्यादा आपको होगा नहीं रिपेयर वगैरह तो मेंटेनेंस ले रोड कैनॉट बी यूज अंटिल फोर्टीन डेज ऑफ क्योरिंग मैं आपको बता चुका हूं बिकॉज एटलीस्ट फोर्टीन डेज ऑफ टाइमेंट द्योरिंग गेन इट्स स्ट्रेंथ ऑफ थिंग्स विल है छोटे इलाकों में छोटे शहरों में रिजिड पेमेंट हम लोग कम ही प्रोवाइड करते हैं रीजन बींग अगर आपने एक बार कॉन्क्रीट ले किया तो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है छोटे इलाकों में बच्चे दौड़ रहे हैं साइकिल वाला आ गया और आपने देखा होगा पेमेंट पे निशान पड़ जाते हैं और वो निशान फिर परमानेंट रहते हैं फिर आपके परमानेंट निशान एक बार कॉन्क्रीट पे अगर चप्पल के निशान या साइकिल के निशान पड़ गया वो परमानेंट ही रहने वाला है फिर जब तक पेमेंट चलेगी वो तब तक निशान आपको ऐसे चमकेगा कि फला फला यहां से जब पेमेंट बन रहे तो साइकिल लेके गया था वो आपको उसके दर्शन आपके हमेशा होते रहेंगे उस चीज के ठीक है ना सो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा छोटे इलाकों में थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है But in case of the expressways, in case of the national highway, you can perfectly control the, uh, that nobody is going here and there, right? You can perfectly control it. So, now, next one is the, the uh, this, uh, this type of payment, that rigid payment. it does not have any damage by oils or any other chemical. That is also one of the advantages of using the rigid pavement. I hope you are getting it. I hope you are getting it, right? Chali. ये देखो यहां पे बड़े ध्यान से देखो इसको ये क्या लिखा हुआ ये वाला राइट दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर तो मैंने आपको बताया रिजिट पेमेंट में ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये फ्लैट होता है रिजिट पेमेंट राइट ये सबग्रेड हो गया आपका रिजिट पेमेंट में फ्लेक्सिबल पेमेंट देखो प्रेशर कैसे चल पड़ रहा है आपका तो यहां पे आपकी सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी देर विल एट दिस राइट ओके सो दट इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन द

ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ हेर कम्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्लैब एंड दिस इज योर सब ग्रेड दिस इज योर सब ग्रेड एंड दिस इज योर स्लैब और यू कैन अ रिजिड पेमेंट इज सम लोड इज देयर ऑन दिस स्लैब सम लोड इज देयर what will happen the distribution of this load will depend upon the relative stiffness of this slab and the relative stiffness of the subgrade now the question is sir what is the meaning of this stiffness see stiffness is given by load per unit deflection that is the stiffness in case of a subgrade in the case of the plate bearing test in the previous lecture i told you that this delta is generally taken as 0 0.125 centimeter. it is generally taken as 0.12 5 centimeter. So from this, you can calculate the stiffness of the subgrade also and of the rigid payment also. You can calculate the stiffness. Now, what is the expression for the relative stiffness? Why is it is important? Because it will be used, it will be used in the design of payments. Because whenever I when I will be telling you the expressions of the various stresses in case of a rigid payment, this term will come into picture. So this radius of relative stiffness is given by L it is given by e h cube divided by 12 times of capital k 1 minus mu square raised to the power raised to the power a okay, mu square here at denominator raised to the power 1 by 4 so that is what the uh, you can say the meaning of radius of relative stiffness is again dear students i am telling you a very important thing okay it is very important it has been asked many times in examination sometimes directly the formula is asked and sometimes some numerical are also asked from this topic so that is what the radius of relative stiffness is so what is the relative stiffness so this slab also has some stiffness this subgrid also has some stiffness now there must be some relative stiffness right there must be some relative stiffness which will be resisting the deformation and that is called as the radius of the relative stiffness. Now, why, why it is called as a radius? Now, it is called as a radius because there will be some section. For example, a load is here. There will be some section which will be resisting this particular deformation. That is, that is why it is called as the radius of a relative stiffness. Now, what are these values? Let me write these values also. So, what is this L? L is the radius of relative stiffness

जीरो पॉइंट वन फाइव लेकर चलते हैं कॉन्क्रीट के लिए ज्यादातर उसके बाद हम बात करते हैं एच की एच इज द स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर एच इज द स्लैब थिकनेस स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर एच इज द स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर एंड वॉट इज दिस कैपिटल के सो कैपिटल के इज द सब ग्रेड मॉडल सब ग्रेड मॉडल सब ग्रेड इसको कैसे निकालते हैं हम लोग इसको हम से निकालते हैं ये जो के लिखा है ना आपका इसको हम इसी से निकालते हैं ठीक है ना ये हम इसको यहां से निकालते हैं क्लियर दैट इज द सब ग्रेड आई होप यू आर गेटिंग इट राइट इज इट इज फाइन चलिए आगे बढ़ते हैं आर यू आर यू गेटिंग इट आर यू गेटिंग डियर स्टूडेंट्स इज इट फाइन इज इट फाइन आपको समझ में आ रहा है ये वाला are you getting it is it fine dear students like share and subscribe also so that the other students they can also watch and they can also learn so you like share and subscribe also right like share subscribe also okay rahul okay pavita okay good good very good now let us move forward now so we have this concept also that is the Equivalent radius of resisting section. This section, this concept is also there. I will be telling you this concept after a short while, right? Now, now let me tell you this concept also. What is the meaning of this equivalent radius of resisting section? Now see, this is a rigid payment. This is a wheel. Now, if you look at from the top, if you look at from the top, there's a wheel, right? The wheel is going. If you look at from the top, you will find that there will be a particular section which will be resisting the load so if you look it from the top there will be some this type of uh, uh, pressure distribution is there and it will be a three, three dimensional pressure distribution so uh, if you it is here it, it will be just like this clear it will be a three dimensional pressure distribution so for that three dimensional pressure distribution there must be a radius and that radius is called as the radius of resisting section so now how do we calculate the radius of resisting section the radius of resisting section is given by under root of 1.6 a square. And dear students, a lot of students ask me, sir, how these formulae have been derived? All these formulae are the empirical formulae. There is a difference between the empirical empirical formula and the normal formula. Empirical formula, for example, in environment, you have the Kuchling's formula for the calculation of fire demand, right? You have the uh, other formulae also are also there, right? Okay. Now, uh, okay, empirical formulae—you don't have to apply the mind. In empirical formulae, have been derived with the help of experiments. So you have to learn those formulae. I know that it will be a little bit difficult task, but ultimately, what are you gunning for? You are gunning for a government job, and for a government job, or. Uh, getting a seat into a good iit for mtech also right what do you need you need to do some hard work dear students right if you will do hard work obviously you will get through otherwise it will be difficult right so now 1. a 1.6 1. a square and plus h square minus 0. 0.675 of small h that is what the formula of the radius of relative resisting section is given by okay now what is this b b is the equivalent radius that is i have already told you that is the equivalent radius equivalent equivalent radius equivalent radius and the unit being centimeter that is in centimeter right okay and we all only calculate this formula if the value of A is less than 1.724H. If the value of A becomes greater than 1.724H, then B becomes equal to A. Simple, right? Okay. Now let me rub this because I hope that you have noted down this thing. Let me rub this thing here. Let me rub this, 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 this. Let me rub this thing from here. I hope that you have noted down. Let me rub this again. This one also. This one also. This one also. Yeah, now it is fine, I guess. Now it is fine. Now this one is fine, right? Okay. Now this one is fine. Now let us again, right? So if a is less than one point seven to four h, then only this formula will be valid. The question is, if a is greater than one point seven to four h, then what will happen? Then your a will become equal to b. A will become. These all are the empirical formula with the help of you can say uh, experiments. All these formula have been derived. Now what is this a? Now let us go to this a. So a. Is the radius of wheel load? Radius of wheel load and distribution. Radius of the wheel load distribution. And it is also measured in centimeter. It is also measured in centimeter. Now, what is this H? H I have already told you that is the thickness of the payment, right? That is the thickness of the slab, not payment, slab. Thickness of slab. Which slab? The concrete slab. So that is the thickness of the slab. Okay, and from this formula, you will get the equivalent radius of resisting section you will be getting from this formula. This formula is very important. A few years back, this question was directly asked in some of the state PSC. I guess it was MP PSC exam, Madhya Pradesh PSC exam. Directly this formula was asked, right. That the equivalent radius is given by which one of the following so four formulae were there and we have to find the correct answer of that question now let us proceed now so we have various types of stresses in a rigid payment now various types of stresses are you can have temperature stresses temperature stresses might be there and the second type of stresses that can be there on the payment कॉल्ड एज द व्हील लोड स्ट्रेसिस एक तो जो है टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस जनरेट होंगे आपके और एक जो आपका जो पेमेंट के ऊपर जो टायर चढ़ा है आपकी गाड़ी का उसकी वजह से जो है स्ट्रेस जो है आपके जेनरेट होंगे किसकी <coughs> वजह से जेनरेट होंगे आपको फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर व्हील दिस योर कारिस योर कार फॉर एग्जाम्पल समा दिस इज योर कार एक तो जो है व्हील की वजह से आपके स्ट्रेस जनरेट होंगे हो एज पे दिस इज कॉल्ड एज एन कॉर्नर दिस इज कॉल्ड एज ए इंटीरियर पोर्शन स्ट्रेस इज जनरेटेड एट थ्री पोजिशन वन इज द कॉर्नर वन इज द एज एंड वन इज द इंटीरियर सो यू कैन हैव द स्ट्रेस Generated at the three regions interior, corner, and edge. If I talk about temperature, now what will happen, dear students? For example, this is a concrete slab, right? Okay, in case of uh, morning, okay, in case of morning, what will happen is that the above top surface of the pavement will you can say expand and the below surface will contract, so that is why. At the base, we will have the tensile stresses generated, and at the top, we will have the compressive stresses generated. Now, the question is, sir, what are you talking about? I'm not getting it. Don't worry, dear students, it's a very a little bit lengthy topic regarding the warping stresses and the temperature, wheel load stresses, etc. etc. That we will be discussing in the next class. Okay, that is your tomorrow. Tomorrow we'll be discussing other topics. Okay. So till then, dear students, before signing off, let me tell you a very important thing once again. So you can go for the test book pass, okay. Uh, one testbook pass will give you access to more than 100% courses. A lot of mock tests are there. 38,000 plus selections we have already made. सो डियर स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट इट सो लेट एस मीट इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में और जो है व्हील लोड स्ट्रेसेज के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये वाला जो भी हम कल डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इस वाले टॉपिक में बट डोंट वरी इसको काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड आई विल आई होप दैट आई विल बी एबल टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट ट्स मीट टूमोरो और इसके बाद जैसे मैं आपको बताया था मैंने प्लान किया जो भी अभी तक मैंने क्लासेस ली हैं अभी जो है अपना हाईवे इंजीनियरिंग कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा और जो भी अभी तक मैंने क्लासेस ली है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आज तक मैंने जो भी क्लासेस ली है सबके ऊपर एम सी क्यू चलने वाला है ठीक है और आप उसके लिए रेडी रहना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका सो यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स तो जितने भी क्वेश्चन होंगे पहली क्लास से लेकर के हाईवे डेवलपमेंट से लेकर के उसके बाद अपना चैप्टर आया जियोमेट्रिक डिजाइन ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद क्या आया ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद ट्रैफिक आया ट्रैफिक के बाद क्या आया हाईवे मटेरियल आया हाईवे मटेरियल के बाद क्या आया डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट आया और डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बाद अभी क्या चल रहा है ये डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट चल रहा है इसको जो है हम कल फिनिश करेंगे और फिर एक साथ जो है जितने हो सके अपने को न्यूमेरिकल्स को फिर हम जो है डिस्कस करेंगे सो आई होप अगर अभी तक आपको कोई डाउट है अजय यस yes, अजय कैसे हैं आप अजय कैसे हैं आप यस राहुल ओके कविता हाउ आर यू मैं आपका पता लेना ही भूल गया राइट right? पढ़ाने के चक्कर में आपको पता लेना भूल गया हाउ आर यू ऑल कैसे हो आप सब आर 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 यू 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 विद विद अस और अस नाउ अजय कैसे हो आप जरा कुछ बताइए चलिए ओके आई होप दैट एवरीबडी इज फाइन सो लेट्स कॉल इट डियर स्टूडेंट्स लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास तो थैंक यू एवरी वन थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं यू ऑल्सो वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो बिकॉज अगर पिछले लेक्चर नहीं देखोगे तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी सो थैंक यू एवरीवन हैव नाइस डे थैंक यू बाय टेक केयर गुड नाइट